आज प्रदेश के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने ISBT देहरादून का औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने निरीक्षण के दौरान टिकट काउंटर पर गाड़ियों के समय पर संचालन, चालक व परिचालकों से बातचीत की व ISBT में हो रहे कार्यों का निरीक्षण किया। बता दें कि ये दौर उन्होंने चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले किया। वह चाहते हैं कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ISBT की जो सड़कें हैं वह सही ढंग से बन जाएं और जो अधिकारी इस काम को कर रहे हैं वो भी इस काम को सही ढंग से करें। उनका ये भी मानना है कि देहरादून ISBT पहले के मुताबिक अब सही हो गया है और वो चाहते हैं कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ISBT और अच्छी तरीके से बन जाए। चारधाम यात्रा की तैयारी के सिलसिले में आज मैंने ISBT देहरादून का औचक निरीक्षण किया और साफ सफाई, स्टाफ, शौचालयों की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। विगत माननीय मुख्यमंत्री जी और मेरे द्वारा जो समय समय पर हमने ISBT का जो निरीक्षण किया है उससे आज वहाँ सुधार देखने को मिला। सड़कों की व्यवस्था भी पहले से ठीक है, शौचालय का काम चल रहा है, टाइम कीपर वगैरह कई अधिकारी अपनी कुर्सी पर थे, कुछ लोग नहीं थे, जो नहीं थे वो ऑन कॉल पर वहाँ पर आ गए थे। इसलिए चारधाम यात्रा से पहले हमने ISBT को देहरादून की लाइफ लाइन को समझकर इसको दुरुस्त करने, स्वच्छ करने, इसके लिए 5 करोड़ का बजट हमने MBDA को दिया है जो PWD के द्वारा वहाँ खर्च हो रहा है। मेरा मानना है कि ISBT को हम चारधाम यात्रा से पहले हम दुरुस्त करेंगे और अच्छा करेंगे। इसके लिए मैंने ड्राइवर कंडक्टरों से बात करी, पैसेंजरों से बात करी और क्या हो सकता है बेहतर इसको सुधारात्मक रूप से देखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए। आशा है कि और भी जल्दी सुधार ISBT में आएगा।